अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माई हॉबीज। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग पॉट, जिसे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही होममेड हमने बनाए थे और रिसाइकिल करके इसको बनाया है। DIY सीमेंट प्रोजेक्ट है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया जा सकता है। DIY सीमेंट पॉट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अदद पुराना टॉवल, आप कोई भी कपड़ा या जूट की बोरी वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा कुछ सीमेंट, आप इसके अंदर व्हाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हैं, मैं ब्लैक सीमेंट यूज कर रहा हूँ। तो सीमेंट को हम थोड़ा पानी डालकर पत्ता कर लेंगे। पतला करने के बाद हम टॉवल को इसके अंदर डिप कर लेंगे। टॉवल डिप करने के बाद पूरा अच्छी तरह से जब डिप हो जाएगा, एक प्लास्टिक की बकरी लेकर उसके ऊपर पॉलीथीन या ग्लिसरीन लगाकर, या आप कोई भी ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि सीमेंट इसके ऊपर से पकड़ ना करे। उसके बाद इस टॉवल को, सीमेंट से भीगे हुए टॉवल को हम जेंटली पूरा सेपरेटली करके इसके ऊपर डाल देंगे और सलवटे डालेंगे ताकि देखने में खूबसूरत लगे। सीमेंट खुश्क होने के एक दिन बाद इसकी वाटरिंग करेंगे ताकि जो सीमेंट है मजीद पुख्ता हो जाए। इसके बाद हम बकेट से इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद एक बार फिनिशिंग करने के बाद दोबारा से इसको पानी में डिप करेंगे। बकेट से निकालने के बाद पूरी रात इसको पानी में भीगा रहने देंगे ताकि सीमेंट अच्छी तरह से सेट हो जाए। पॉट्स को पूरी तरह ड्राई होने के बाद इसको पेंट करेंगे। आप कोई भी एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट यूज कर सकते हैं, स्प्रे पेंट भी यूज कर सकते हैं। पेंट ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके अंदर मैं गार्डन सोयल यूज कर रहा हूँ, 20% कंपोज और 80% जो है बालू मिट्टी होती है गार्डन सोयल, वो इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। हम किसी किस्म के भी प्लांट्स लगा सकते हैं, मैं इसके अंदर पेटूनिया यूज कर रहा हूँ, मेरे पास घर की पेटूनिया थी। यह बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और बुशी प्लांट हो जाता है, इसलिए मैं इसके अंदर इसको यूज करने वाला हूं। और आप इसको हैंगिंग बास्केट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, अपने गार्डन में, अपने होम में इसको डिस्प्ले कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो जी, हमारे पॉट्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए ऊपर क्लिक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आइकॉन को प्रेस कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।